दोस्तों आज भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको सही तरीका नहीं पता कि इंग्लिश टॉयलेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं और सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग यार उटपटांग तरीके से, अजीब तरीके से इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करता है, और बहुत सारे दोस्तों को देखकर तो हंसी भी आती है यार। शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में हम लोगों ने भी गलतियाँ करी है, क्योंकि जब भी हम पहली बार कोई चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती है। जैसे मैं भी ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से, तो हमारे घर पे जो है इंडियन टॉयलेट है, तो मैंने बचपन से आज तक इंडियन टॉयलेट यूज़ किया है, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में। आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होगी, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे आपको इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफर टेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम जो है वॉशरूम में चलते हैं, आपको बता देते हैं कैसे आपको इसका यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं वॉशरूम में, यानी कि बाथरूम में, आप देख पाएंगे यहाँ पे। और जब भी ये टॉयलेट का पॉट है, यहाँ पे आप टॉयलेट कर सकते हो, और साथ ही साथ में जब आप वॉशरूम यूज करते हो यहाँ पे, ये एक इंग्लिश लैटरिन है, इसको यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैट्रिन को भी इंडियन लैट्रिन टॉयलेट की तरह यूज करते हैं, और हम इसके ऊपर टांगे रखना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल भी हमें ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप टॉयलेट करो, तो सबसे पहले आप यहां पे जब भी फ्रेश होते हो, तो आपको यहां पे इस वाली चीज को नीचे रखना होता है। ये आपको ढक्कन दिख रहा है इसका, इसको नीचे रखना होता है, और हमेशा इसके बाद आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, इसके ऊपर आपको फ्रेश होना है। इस तरीके से आप बैठ सकते हो। अब मैं आपको अगर यहाँ पे पोजीशन दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टांगे आपको यहाँ पे रखनी है अपनी, यानी कि पैर नीचे रखने हैं, और आपको जैसे आप चेयर पे बैठते हो, आपको इस तरीके से यहाँ पे बैठना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब आप फ्रेश हो जाते हो, तो आपको दोबारा से इसको हमेशा ऊपर रखना है, ताकि ये चीज़ गंदी ना हो, और इसको हमेशा साफ रखने की कोशिश किया कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, जब भी आप टॉयलेट करें ना, तो बिल्कुल आप इसको ऊपर करिएगा, और जैसे मेल जब टॉयलेट करते हैं, फीमेल को तो नीचे रखना चाहिए, जो मेल होते हैं, जेंट्स होते हैं, उसको ये ऊपर करके, ढक्कन ऊपर करके, फिर वो यहाँ पे टॉयलेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लश का बटन है, इस तरीके से आपको दिखता है, इस तरीके से फ्लश करेंगे, तो यहाँ पे ये फ्लश चलना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे जो है फ्रेश हो जाते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको जब इस तरीके से आप रखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है। जैसे बहुत सारे इंग्लिश टॉयलेट में क्या होता है, यहाँ पे यानी कि जब आप यहाँ पे फ्रेश हो जाते हो, तो आपको धोने के लिए यहाँ पे जो है पिचकारी सी होती है, यहाँ पे पाइप लगा होता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ टॉयलेट में आपको इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से फ्रेश करना होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रेश होने के बाद जो है धो सकते हैं, और इस तरीके से इसको वापस रख सकते हैं। धोने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिशू पेपर भी मिलता है, और यहाँ पे आप टिशू पेपर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं टिशू पेपर को, और यहाँ से इसको साफ करके, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आपको इसके अंदर कभी नहीं डालना है। हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसको, जो यूज़ करने के बाद हम बहुत बार इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें डस्टबिन रखना होता है साइड में, और इसमें यूज़ करने के बाद यहाँ पे डाल देना होता है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद का आपको यहाँ पे फ्लश करना है इस तरीके से, और आपका यहाँ पे ये चीज़ साफ़ हो जाती है। और जब आप यूज़ कर लें, तो हमेशा एक चीज़ का याद रखें, इसको आप बंद कर दें, और हमेशा इसको हमेशा साफ रखें, इसको टिशू पेपर से या इसको एक बार धो लें, और धोने के बाद इस सीट को, जो इसका ढक्कन है, इसको धोने के बाद ऊपर कर दें, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई दूसरा पर्सन आएगा, तो यहाँ पे इचिंग नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये साफ रहना चाहिए हमेशा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको जो है इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना होता है। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े, जब आप ऑफिसों में जाते होंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिक्विड के लिए मशीन भी मिलती है। यहाँ पे आप इस तरीके से प्रेस करके, यहाँ पे लिक्विड लेने के बाद इस तरीके से जो है पाइप चलाते हो, तो इस तरीके से आप हाथ धो सकते हो। और हाथ धोने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मशीन होती है लगी हुई ऑटोमेटिकली, जो आपके हाथों को सुखाती है। इस तरीके से आपको रखना है, और डायरेक्टली जो है यहाँ पे देखिए, ये मेरे हाथ को सुखा रही है, यानी कि जितना भी गीला हाथ है मेरा,
तो सूख जाएगा, और इस तरीके से आप अपने हाथों को इजीली यहाँ पे सुखा सकते हो, और इस तरीके से आप जो है वॉशरूम को इजीली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे कैसे आपको इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, और यार हो सके तो कोई कमेंट कर देना अच्छा सा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।